मेरे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, पिता तुल्य बुजुर्गों, ममता की प्रतीक मेरी बहने, मैं आशुतोष कुमार मिश्रा हृदय के अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है। कौन होगा आपका रहनुमा, कौन होगा आपके कमल नयनों का अधिकारी, फैसला आपको करना है। तौल लीजिएगा, तराश लीजिएगा। तौलने और तराशने में बात समझ में आती है। तो आप लोग अपना एक एक कीमती वोट दे करके अपने भाई अमरजीत यादव को विजयी बनाने का काम करिएगा। साथियों, आपका बेटा, आपका भाई आपसे झोली फैलाकर सम्मान का भीख मांगने आया है। आप लोगों से वादा, उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं, पड़ी तो इस कर्ज को सूद के समेत वापस करने का काम करेंगे। आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए अगर पहले कोई कतार में खड़ा होगा तो आपका भाई अमरजीत यादव खड़ा होगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं इन कानून के रखवालों से कि आखिर वो अमरजीत यादव का कौन सा गुनाह है, अमरजीत यादव ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि जिसके एवज में आप लोगों को जिला बदर करने की कार्रवाई की गई। और साथियों, कुछ कार्रवाई के नियम भी होते हैं, लेकिन उसको ताक पर रखते हुए उस भाई को जिला बदर किया गया। इसलिए जिला बदर किया गया साथियों, क्योंकि अमरजीत यादव से खतरा है कि कहीं अमरजीत यादव चुनाव न जीत जाए। और अगर अमरजीत यादव और एक बार चुनाव जीत गया तो मैं आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फिर ये विरोधी जानते हैं कि अमरजीत यादव कोई दोबारा परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए कि इस नगर पंचायत में चारों तरफ गंगा की बयार बहेगी साथियों, और विकास की बयार बहेगी। बस समझ लीजिए कि अमरजीत यादव आपके पा का डूबता हुआ पेड़ है। अगर जी में आए तो पानी डाल दीजिएगा, वरना उसे उखाड़ कर फेंक दीजिएगा, ताकि सूख जाएगा, लकड़ी बन जाएगा, या आपके चूल्हे में जलने के काम आ सकेगा। समझ लेगा कि ही मेरी हो भाग्य दी। साथियों, आप लोग सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। इन पाला बदलने वालों को तो साथियों आप लोग बहुत दिनों से आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग जब चुनाव आएगा तो इन लोगों को संघर्ष याद आएगा। अभी चुनाव नहीं रहेगा तो कोई अपने बिजनेस में व्यस्त रहेगा, कोई अपने व्यवसाय में व्यस्त रहेगा, और कोई आप लोगों के साथ संघर्ष करेगा तो अमरजीत यादव संघर्ष करेगा। अमरजीत यादव पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी मैदान में है, लेकिन 5 साल तक आप लोगों के साथ रोड से लेकर और डीएम स्तर तक के संघर्षों में आपका साथ देने का काम किया है। अगर अमरजीत यादव पे मुकदमा लगा होगा तो चोरी और गुंडागर्दी का मुकदमा नहीं लगा होगा साथियों, संघर्ष करने का जरूर मुकदमा लगा होगा। और आप उस बकावे में मत आइए कि अमरजीत यादव ने ये कर दिया, अमरजीत यादव ने वो कर दिया। अगर अमरजीत यादव ऐसा रहता तो जरूर हम लोग भी उसके लिए वोट नहीं मांगने आते। अमरजीत यादव संघर्ष का नाम है। काले से लेकर नगर पंचायत जंगीपुर तक अमरजीत यादव ने संघर्ष किया है। या वो कॉलेज का मामला रहा हो,